ब्राइटवेल की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली आरपी 9। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आप ये वीडियो समझना चाहते हो, आज की जो क्लास है उसमें आपको टेली स्टार्ट करनी है सबसे पहले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो क्लास सीख रहे हो इसको समझने के लिए आपको इससे पिछली 3 क्लासों को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, आप तभी ये वाली क्लास समझ पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसमें ये मैं आपको आज परचीज की एंट्री बताने वाला हूँ, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपको जाना है डिस्प्ले और डे बुक में, और यहाँ पे आपको पिछली एंट्री देखना है। आपको सबसे पहले क्या ऑर्डर वाली एंट्री, आपको सबसे पहले ऑर्डर देना है। ऑर्डर का एक चालान होता है, ऑर्डर पास करना है आपको। तो इसके लिए मैंने एक ऑर्डर दिया था 1 नंबर का, जो इससे पहले जो वीडियो है 3 उनमें से फर्स्ट वाली है। इसके बाद अब ऑर्डर नंबर 1 हो गया, तो ऑर्डर हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया था एक माल का, 10 10 पीस का, 10 पीस 10 पीस 10 पीस, ठीक है। इसके बाद जो उसके अगली वाली वीडियो है उसमें आपको रिसिप्ट नोट, यानी कि हमने राम पार्टी को ऑर्डर दिया और उसने हमें माल भेज दिया, माल के साथ में जो बिल आया, बिल को देख के हमने उसका रेट चढ़ा दिया कि 10 पीस जो कीबोर्ड के हैं जो 350 की रेट में है, माउस है जो 250 की रेट में है, और मॉनिटर है जो 5,000 की रेट में है। टोटल 56,000 का माल हमने ये एक रिसिप्ट नोट पास किया था, ठीक है, रिसिप्ट नोट की एंट्री। और अभी जो वीडियो आप देख रहे हो इसके जस्ट पहले वाली जो वीडियो है उसमें है रिजेक्शन आउट, ठीक है। रिजेक्शन आउट में क्या है, यदि माल खराब हो जाता है, ठीक है, तो माल खराब होने पर वो वापिस कैसे होगा। तो हमने क्या है कि एक एंट्री की थी, ये जो ऑर्डर 1 था उसकी कीबोर्ड माउस मॉनिटर उसके एक एक पीस खराब हो, ठीक है। हमने 10 पीस का ऑर्डर दिया, 10 पीस का माल हमारे पास प्राप्त हुआ और उनमें से एक एक पीस हम लोगों ने खराब थे वापिस कर दिए। अब टोटल मिला के 3,000 3 पीस हैं और टोटल 5,600 रुपये का माल रिटर्न हुआ है, ठीक है। जब ये अब वाली वीडियो से पीछे की 3 वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख लोगे तब आपको ये वीडियो समझ आएगी, डायरेक्ट आपको नहीं आएगी समझ में, ठीक है। और ये 3ों वीडियो भी आपको स्टेप बाय स्टेप देखना कंपलसरी है, तभी आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, परचेज की एंट्री करनी है ऑर्डर वाइज, ठीक है। परचेज की एंट्री आपको ऑर्डर वाइज करनी है, पहले भी आपने परचेज की एंट्री की हुई है, लेकिन आपको जो अब जो परचेज की एंट्री करनी है वो ऑर्डर वाइज करनी है। तो आपको टेली ओपन कर लेना है, टेली ओपन करने के बाद में आपको अपनी कंपनी जैसे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर स्टूडियोज में पहुंच जाना है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। आपको परचेज की एंट्री करने के लिए F9 शॉर्टकट की या परचेज पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको करना होगा, सबसे पहले एंटर करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी चीज नहीं प्रेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पार्टी नेम लूंगा, पार्टी का नेम क्या है, राम। अब आपको अक्सर क्या करते थे हम लोग, इससे पहले एंट्रियों में हम लोग एंड ऑफ लिस्ट यूज करते थे, ठीक है। जब जब हम लोग डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं ना परचेज की, तब हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट लेते हैं, लेकिन अब हम ऑर्डर की कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर हमारा वो नंबर ही होता है जो ऑर्डर नंबर होता है। ट्रैकिंग नंबर हमने ऑर्डर नंबर के बाद जो एंट्री की थी, रिसिप्ट नॉट रिसिप्ट नॉट नो ऑर्डर नंबर दिया गया था। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, एक नंबर लेने के बाद जैसे सेकंड बार दूसरी बार पूछता है तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। एंड ऑफ लिस्ट कर दिया तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर एक, रिसिप्ट नॉट एक और ऑर्डर नंबर एक, ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाते हैं, सारी डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी। आपको एंटर करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है, और जैसे आप यहाँ पे आके देखेंगे तो टोटल सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। आपके कीबोर्ड हैं जो 9 पीस बचे हैं, क्योंकि हमने जो ऑर्डर दिया था 10 पीस का था, एक माल एक कीबोर्ड खराब था इसलिए ये 9 रह गए हैं, और 9 पीस 350 की रेट में 3150 रुपये का माल है। इसके बाद में आपका है माउस, और माउस की अगर हम लोग बात करें तो माउस 9 पीस हैं 250 की रेट में, इनमें भी 10 पीस थे, एक खराब था वापिस हो गया इसलिए 9 रह गए हैं, यहाँ 2250 रुपये के माउस हैं। और ऐसे ही मॉनिटर हैं जो आपका मॉनिटर वो भी 10 पीस थे, एक पीस खराब था इसलिए रिटर्न हो गया, तो कितना बच गए, 9 पीस बच गए, 5,000 का माल आपके पास में बचा हुआ है। टोटल 5,500 रुपये का माल है सारा मिला के, यहाँ पे 50,000
400 का है, और ये 30 पीस थे जो अब बच के कितने रह गए हैं, 27 पीस बचे हैं और 50,400 रुपये का माल बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये एंट्री कंट्रोल ए से डायरेक्ट भी सेव कर सकते हो, और आप इसको एंटर करते हो इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हो। जब एंटर करोगे वो डिटेल्स आएगी, ध्यान रखना बदलनी नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि आप एंटर करने से अच्छा है कि इसमें कंट्रोल ए प्रेस कर दो। कंट्रोल ए से क्या है, डायरेक्ट सेव हो जाती है एंट्री। अब हम देखते हैं क्या एंट्री हुई या नहीं हुई। उसे देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले डे बुक में जाना है। आप डबल डी भी दबा के उसमें डायरेक्ट जा सकते हो, शॉर्टकट है उसका। ये परचेज की एंट्री है हमारी 50,400 वाली, और ये एंट्री आपकी हो चुकी है। मान ले आपसे कहे कि कोई किसका बिल निकालना है या फिर इसकी प्रिंट, इसका प्रिंट निकालना है, तो ऑल्ट पी आपको करना है और आपको यस कर देना है। अभी क्या है कि यस करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या है, प्रिंट निकाल देगा, लेकिन कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है तो प्रिंट नहीं निकलेगा। इसलिए मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, तो यहाँ प्रीव्यू के लिए आपको जाना है, विद प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही विद प्रीव्यू क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विद प्रीव्यू आ जाता है, और इसमें आपको यस कर देना है। यस करने से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका ये बिल दिखाई दे जाएगा, पूरा डेटा इस तरीके से कंप्लीट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अकाउंटिंग कंप्लीट ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल की सभी वीडियो को देखते रहें, और आपको 365 दिन के अंदर 365 वीडियो आने वाली हैं, और आप ये ऑनलाइन ही अकाउंटिंग सीखने वाले हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।